नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। देश भर में जिस तरह से लोग पॉल्यूशन से परेशान हैं, इसके इतने रोकथाम के बावजूद भी पॉल्यूशन जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब बिहार की राजधानी पटना भी पॉल्यूशन के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुकी है। जी हाँ, जिस तरह से पूरे देश में पॉल्यूशन जो है लगातार दिवाली के बाद देखा जाता है, लोग जो है धुंध से परेशान होते हैं पूरा का पूरा। अभी हम आपको बता दें, अभी हम खड़े हैं राजधानी पटना के जंक्शन पर जहाँ लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि पॉल्यूशन जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस प्रदूषण के बारे में। क्या लगता है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके पूरे जिम्मेदार सरकार है या फिर आम जनता भी है? आम जनता भी है, सरकार तो खैर इस पर अमल करना चाहिए। आम जनता का फर्ज है, यहाँ प्रदूषण जितने पुरानी गाड़ी है वो ना चलना चाहिए, जितना भी धान का पुआल वो सब जलाना नहीं चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए सरकार को या आम जनता को? सरकार को कदम उठाएगा तभी आम जनता पर जाएगा, पहुंचेगा संदेश। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि बढ़ते पॉल्यूशन का क्या कारण है। तो जिस तरह से बिहार में पॉल्यूशन जो है दूसरे स्थान पर आ गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग ही अपने आप पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, इसलिए पॉल्यूशन होता है ना। और उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? पहले आप अपने आप पॉल्यूशन को क्लीन करना चाहिए, तो दूसरों को बोलना चाहिए, अपने घर से शुरुआत करना चाहिए पॉल्यूशन के लिए। तो जैसे कल एक नियम निकल कर आया कि जितनी भी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं या फिर केरोसिन पे जो भी गाड़ियां चलती है, बसेस या ऑटो, उन सबके ऊपर रोक लगा दिया गया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो धीरे धीरे करके रोक लगाना चाहिए, एक ही साथ रोक लगाया तो वो अच्छा नहीं है। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ और भी यात्रीगण मौजूद है जिनसे पूछते हैं कि बढ़ते पॉल्यूशन पर रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को देखना चाहिए और यहाँ पे हमारे साथ और भी यात्री स्टेशन पे और भी यात्रीगण मौजूद है जिनसे पूछते हैं कि जिस तरह से बिहार पॉल्यूशन के मामले में दूसरे स्थान पे आ गया है, उसके विषय में लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और हमें इसके सुधार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जो भी स्टेप लिया जा रहा है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और लोगों को जो अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ और अलग करना चाहिए तो उन लोगों को सजेशन देना चाहिए। मेरे अनुसार जिस तरह से पॉल्यूशन बिहार दूसरे स्थान पर आ गया पॉल्यूशन के मामले में, तो इसका पूरा जिम्मेदार आप किसे मानती है, सरकार को या फिर आम जनता भी है इसके जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार ऑफकोर्स आम जो यूज़ करिए, जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है ऑफकोर्स वही उनकी जिम्मेदार है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे इसके लिए कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अलग सोच करके, कि हम लोगों के लिए हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि जनता क्या सोचेगी और हमारा सरकार क्या सोचेगा, हम लोगों को अपने लिए कुछ सोचना है तो हम लोगों को उस तरीके से सोचना पड़ेगा। इतनी कोशिश के बाद भी जो है पॉल्यूशन कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि सरकार हमेशा वृक्षारोपण का कार्य करती है, उसके बावजूद ही प्रदूषण जो है बिहार में, खासकर पटना में दूसरे स्थान पर, मतलब पूरे देश भर में पटना दूसरे स्थान पर पॉल्यूशन के मामले में आ गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं पटना में एक्चुअली 3-4 साल से मैं कंटिन्यूसली नहीं रही हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या हाल है इसके बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो मे बी परहैप्स आपका व्हीकल बढ़ रहा होगा, तो मोस्टली मे बी लोगों के लिए जो रेगुलर, जैसे कि मैं चेन्नई में रही हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि लोगों के लिए रेगुलर बसेज होती है, कुछ उनका नेम प्लेट होता है उन पे बसेस होती है, तो वैसा अगर यहाँ पे वो लोग चलाएं आम नागरिक के लिए विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो अगर वो लोग ये लोग कुछ उस टाइप का कुछ यहाँ भी करेंगे तो शायद लोग व्हीकल यूज़ करना थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा घटे, ऐसा करके कुछ हम लोग ऐसा आइडिया यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते, तो मुझे लगता है कि ठीक हो सकता है उसका यूज़। तो चलिए, यहाँ पे और भी यात्रीगण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और जानते हैं पॉल्यूशन कम करने के क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, जिस तरह से बिहार में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज ही आया हूँ पटना एमपी से। पॉल्यूशन तो है अब, लेकिन उसके लिए क्या कह सकते हैं, जिम्मेदार तो नागरिक ही हैं, बाद में सरकार है, मेरा तो यही कहना। तो इसके रोकथाम के लिए आम नागरिक है, उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस कि यही, जो भी पॉल्यूशन है, इन द सेंस
अपने प्राइवेट व्हीकल्स मत चलाइए, आज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पूलिंग करिए, कार पूलिंग, उससे क्या कहते हैं व्हीकल का पोल्यूशन बचेगा। प्लस सरकार के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाज हैं उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि मतलब उन पर कुछ इन्हें इस तरीके के नियम कानून लगाए जाएँ, प्रोहिबिशन लगाए जाएँ कि इन द सेंस वो उस चीज़ को पोल्यूशन लेवल को कम करें, या फिर उसके लिए कुछ रोकथाम के लिए वो कंपनीज बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स उसके लिए मतलब इन द सेंस आगे बढ़ें जो उनके तरफ से पोल्यूशन हो रहा है। बाकी आम नागरिक की तरफ से तो यही है। कल एक नियम जो निकल कर आई है कि जितनी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं या फिर जो कैरोसिन ऑयल पे जो भी गाड़ियां चल रही है ऑटो बसेस उन सब पे रोक लगा दिया गया, ये सरकार के इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये सही निर्णय है, लेकिन ये कितने दिन में इम्प्लीमेंट होता है उस पर भी मतलब वो चीज़ भी एक सोचने वाली बात है। अगर जैसे रातों रात आप बोलें कि बैन लगा दें कल से नहीं चलेंगी तो ये बड़ा गलत चीज़ है, लेकिन अगर आप उनको 3 महीने मतलब का वक्त दें तो आई वुड थिंक लाइक कि ये सही चीज़ है, क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन एमिशन करती हैं तो उन पर रोकथाम होनी चाहिए। और जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सरकार को या फिर आम जनता को? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पहले आम जनता, आप और हम जैसे लोग, उसके बाद सरकार, दोनों ही हैं लेकिन पहले हम हैं। इसके रोकथाम के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? बताया तो सर मैंने, जैसे नहीं नहीं ये सब पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन ही करते हैं, मतलब और क्या है भाई, ये जो गुटखा खा के जगह जगह एयर पॉल्यूशन के लिए क्या मतलब, पॉल्यूशन तो यही है कि सब गुटखा बंद हो जाए, ये जगह जगह लोग थूकते हैं, कचरा करते हैं, तो कम से कम हम ही यदि इसको चीज़ को अवेयर होंगे इस चीज़ से तो नो डाउट पोल्यूशन कम होगा। हम झाड़ काट लेते हैं, पेड़ पौधे लगाते नहीं हैं, तो मोस्टली ये सब जितने भी जिम्मेदार हैं हम स्वयं हैं। यदि सजग रहेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा और सरकार भी अपने आप सजग हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे नीतीश सरकार का जो योजना है वृक्षारोपण का, उसके बारे में लोग कितने सक्रिय हैं? लोग तो बहुत सक्रिय है, मतलब पहले से हम देख रहे हैं कि रोड के आसपास या लोग घर के आगे भी जगह जगह पेड़ पौधा लगा रहा है, स्कूल सब में भी देख रहे हैं अब अच्छा से वृक्षारोपण हो रहा है, पहले ये सब नहीं था। इसके बावजूद भी बिहार की राजधानी पटना जो है पॉल्यूशन के मामले में दूसरे स्थान पे है, पॉल्यूशन कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पॉल्यूशन के बारे में तो हर आम जनता को मतलब कंसस पंक्चुअल होना पड़ेगा। नीतीश सरकार चाह रहे हैं हर ओर पॉल्यूशन समाप्त हो, लेकिन फिर भी जब तक आम जनता नहीं कंसस होंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए आम जनता को या सरकार को? इसके रोकथाम के लिए तो आम जनता को जैसे कि कचरा है जो भी है उसको कूड़ादान में डाले, घर के आसपास साफ सफाई रखे, प्लांटेशन करे, जिसको जितना भी जगह मिले वहाँ पे प्लांटेशन करे। तब सर आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर? इसके लिए तो पौधे की संख्या बढ़ानी होगी और पौधे का संरक्षण करना होगा और इसके लिए सभी को ध्यान देना होगा, है ना, और सबसे पहले एक एक नागरिक को इसके प्रति सजग होना होगा कि कैसे साफ बिहार हो, कैसे स्वच्छ बिहार हो, कैसे स्वच्छ भारत हो, इसके लिए ये करना होगा। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन उसके बारे में, उसके रोक के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? पॉल्यूशन के लिए तो गाड़ी घोड़ा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो गाड़ी घोड़ा के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को या आम जनता को, किस तरह की? जनता भी बहुत साथी है, इसी गाड़ी मतलब निकाल देता है और बगैर काम के भी गाड़ी से निकल जाता है, चलता है, एक गो घर में दो दो गो गाड़ी, तीन तीन गो गाड़ी रहता है, उसके बाद सब निकल जाता है, तो बगैर काम के भी, तो इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। लोगों या सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदूषण को कम करने के लिए? हाँ, सरकार इसमें क्या कर सकता है और सरकार का क्या व्यवस्था करना है नहीं करना वो तो सरकार जाने, लेकिन आम जनता का भी ध्यान रखना चाहिए पॉल्यूशन पर, जनता का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से बिहार पॉल्यूशन के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार में तो वैसे बहुत सारे पॉल्यूशन हो ही गया है और दिवाली भी था रिसेंटली में, तो हम लोग अपने हिसाब से तो कोई पूरा कोशिश किए हैं क्या पटाखे ना छोड़ जाए, एयर पॉल्यूशन वजह बढ़ चुका है, बट लोग तो छोड़ते ही हैं, बहुत सारे लोग छोड़ ही रहे हैं,
तो अब देखिए कौन कौन रोकता है कौन नहीं रोकता है अगले बार। एक दिवाली कारण है इस बढ़ते पॉल्यूशन का? दिवाली भी कारण है, हर साल तो मैं भी हम पूरे बिहार इस बार काफ़ी ज़्यादा रह रहा था, न्यूज़ पर ही पढ़ा था मैंने कि बहुत ज़्यादा रहा था। सो देखिए अगले बार से हम लोग आप हम लोग भी मैसेज देंगे अगले बार से ना छोड़े पटाखा। और क्या सरकार की एक नीतीश सरकार ने एक नई नियम जारी किया है जिसके तहत जो भी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं या फिर जो कैरोसिन आयल पे जो गाड़ियां हैं बसेस ऑटो जो भी चलाई जाती है उनको बंद कर दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ठीक हुआ है क्या, क्योंकि पहले जितना भी अभी तक पुराना ही ऑटो चलाया जा रहा था, क्योंकि अभी जो भी स्कीम निकाले नीतीश कुमार तो उसके हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, आगे देख क्या होता है आगे कुछ पता नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में? जैसा कि भाई ने कहा है कि पॉल्यूशन, ये दिवाली भी एक कारण है, सही बात है, दिवाली भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन के लिए। हम लोग जैसे सोचे हैं, हम लोग खुद भी करते हैं कि दिवाली में पटाखा वगैरह नहीं छोड़ना है, तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और जहाँ तक रहा दिल्ली में जैसे ऑडिवेन का बात चलाया गया है, तो उस तरह से हम चाहेंगे कि पटना में भी चलाया जाए ताकि कुछ कंट्रोल हम लोग कर सके। और जहाँ तक बात है नीतीश सरकार, आप बोले कि एक नया नियम लागू किए हैं कि जो पुराना वगैरह है उसको रोका जाता है, तो अच्छी बात है, ये इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप ही रोका जा सकता है पॉल्यूशन। थैंक यू। कि जो ऑटो जो पुराने ऑटो वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड देते हैं, पूरे जो होता है हम लोग इन्वायरमेंट को एयर पॉल्यूशन कर देते हैं, उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो जो नए नियम लागू हुए हैं नीतीश, वो ज़्यादा बेटर किए। तो सेफ्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको कम के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए बहुत सारे, ताकि एयर पॉल्यूटेड ना हो सब क्लीन, और ये जो बिहार पूरा क्लीन रहना चाहिए, क्लीन करने चाहिए पूरे जो भी है। जैसे उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सरकार या आम जनता को? आम जनता को। इसके रोकथाम के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले जागरूकता होना चाहिए आदमी में, क्योंकि पॉल्यूशन जो किस तरह से अधिक जो है पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करें, और सबसे पहले जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, कुछ चीज़ें तो जनता को भी करनी होगी। आप कहोगे कि हर एक चीज़ के लिए सरकार ही जिम्मेवार है, तो फिर मतलब ये पब्लिक भी जो है सरकार का एक पार्ट होती है, और पब्लिक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसमें जो भी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं या केरोसिन आयल से जो भी बसेस या ऑटो चलती है उसको रोक उस पर रोक लगा दी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही कदम है कि सरकार की जो जिम्मेवारी है वो निभा रहे हैं, ठीक 15 साल पहले पुराने बहुत सारी पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसे हटाना चाहिए, सही है, लेकिन साथ साथ जनता को भी जागरूक होना है। जैसे आप देखते हैं अक्सर कहीं पर बहुत सारी पोलोथीन वगैरह जला दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, लोग जो है अधिक से अधिक चाहते हैं कि मतलब पब्लिक व्हीकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं कि अगर किसी पर बाइक है तो वो एक बाइक लेके भी निकल गया, तो इस कंडीशन में जो जनता को जागरूक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जिस तरह से बिहार में पॉल्यूशन जो है बढ़ते देखा जा रहा है, दूसरे स्थान पर आ चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, यहाँ बिहार में पॉल्यूशन नहीं है जैसा दिल्ली वगैरह का जो हालत है ना। सर बिहार सॉरी देश भर में पॉल्यूशन के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर आ चुका है, वो तो उसको क्या कीजिएगा, वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। किस तरह की जागरूकता? वो प्रदूषण को कम फैलाएं, स्वच्छ करें, भारत स्वच्छ भारत का जो नारा है वो तो इतना सटीक है और इतना अच्छा है, वह किसी भी रूप में बहुत उपयोगी है। इतने नारे के बाद भी जो पॉल्यूशन कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स होगा तो ना, प्रिवेंट होगा तो ना उससे धुआं कम होगा या कम जलाया जाएगा, लेकिन अगर नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। सरकार जो योजना लागू की है 15 साल पुरानी गाड़ियों पे जो रोक लगा दी है, जो केरोसिन आयल पे जो गाड़ियां चल रही है, दिखावा है, गाड़ी रोक वगैरह बहुत प्रभावी नहीं होता है, दिन में रोक रहेगा, शाम में चलते हैं लोग, रात में चलते हैं, उससे कोई खास बात, उससे कोई उपलब्धि होने को नहीं है। दूसरी बात है कि आदमी को अब सबको घर में बंद कर दीजिएगा, प्रदूषण कंट्रोल के नाम पर सबको घर में बंद तो नहीं किया जा सकता, लोगों को दिनचर्या की जो दिन प्रतिदिन का जो उसका हाउस होल्ड मटेरियल्स है उसको लाने के लिए दुकान नहीं जाएगा, बाजार नहीं जाएगा। जो रीजनेबल मेजर्स होना चाहिए वास्तव में, इसमें भी देखते हैं अभी टीवी वगैरह तो दे ही रहा कि ये दिखावा है, केंद्र और राज्य के बीच में ये राजनीति हो रही है, इसलिए ये ऐसा वैसा हाल है। सरकार जो समय समय पर वृक्षारोपण का जो स्कीम चलाती है इसमें लोग कितने जागरूक दिख रहे हैं? ये सरकार वृक्षारोपण करती है टीवी में, दूरदर्शन में, समझे ना। अभी हम आए हैं जिस ट्रेन से, सब जगह जो जितने पौधे लगे हुए थे वो सब सूख गए, सब मर गए।
तो उसको चाहिए लो लैंड नहीं चाहिए, उसको हाई लैंड चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सा घेरा बनाकर और तब उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि वर्षा आने पर वह सुरक्षित रहे। यहाँ लोग खाते खाने पकाने वाले लोग हैं, खाते पकाते हैं, वृक्षारोपण हुआ दह गया सूख गया हो गया, जितना पैसा था सब हो गया। दक्षाय नमः। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पॉल्यूशन बिहार में बढ़ रहा है उसके रोकथाम के लिए? सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत अभियान चलाया गया है, इसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। तो जनता इसके लिए सक्रिय नहीं दिख रही है, इसका क्या कारण है? जनता को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जिस तरह सरकार ने नियम लगाया नीतीश कुमार ने कि 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं उन पर उन्होंने रोक लगा दी है, साथ ही जो भी केरोसिन ऑयल से जो गाड़ियां चलाई जा रही है उन सबको बंद कर दिया है, ये जो पहल है सरकार की, इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये पहल बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बहुत ही कम होगी। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं बढ़ते पॉल्यूशन का, सरकार या आम जनता को? आम जनता ही इसके लिए ज़्यादातर जिम्मेवार है क्योंकि सरकार एक तरफ मैंने वृक्षारोपण अभियान चलाती है और समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि वृक्षों की अवैध रूप से कटाई करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसके लिए मैंने ब्लॉक एवं थाना स्तर पर इसके प्रति अति होना चाहिए। मैं जिस तरह से पॉल्यूशन का हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इसमें तो सरकार का भी हाथ है, आम लोगों का भी, देख रहे हैं कि जहां तहां कचरा फेंक दिया जाता है इस पर ध्यान देना चाहिए, यही तो पॉल्यूशन का कारण है। जब तक हम लोग भी इस पर काम नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन ख़त्म होने वाला नहीं है। जहाँ खाली जगह है वहाँ पे सरकार को और हम लोगों को भी पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। पॉल्यूशन तो आज देख ही रहे हैं कि पटना का क्या हालत हो गया था, थोड़ी सी बाढ़ आने पर पूरा पटना डूब गया था, यह सब कारण है पॉल्यूशन का। सरकार ने जो नियम लागू किया है कि 15 साल जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उन पर रोकथाम लगा दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये भी सरकार का ये भी कहना सही है कि वो पुरानी गाड़ी जो भी थी BS4 और जो डीजल पे चलती थी उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इस कारण से यहाँ पे अभी गैस के CNG के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि उतना पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। ये सही है सरकार का कदम। जिस तरह से बिहार में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार जो कदम उठा रही है बहुत सराहनीय है, पुरानी गाड़ी को प्रतिबंध करनी चाहिए। प्लस बहुत सारे लोग पार्टी जो होते हैं फंक्शन होते हैं उसमें जनरेटर यूज़ करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। कुछ लोग केतारी का जूस बेचने वाले भी मोटर चलाते हैं, उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। ये सब प्रदूषण का जड़ है। और उसके बाद आपको आया ठेला खुआता है गाड़ी वाला, उसमें भी प्रदूषण होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। लोग क्षणिक सुख के लिए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ना जाने कितने लोगों को मौत के मुंह में ढकेलते हैं। प्रशासन को इस पर स्ट्रिक कदम उठाना चाहिए। ये और जहाँ शहर के अंदर जो फुटपाथ है उन लोग को भी व्यवस्थित करनी चाहिए, फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करके उसका जो आज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी हटाओ गया, तो इससे जड़ का समस्या का समाधान नहीं होगा। अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः उनको पुनः विस्थापित करने का भी उपाय इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो दारूबंद में पूरा ऊर्जा लगा देते हैं, बालूबंद में पूरा ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन गरीबों का उद्धार कैसे हो? बड़े बड़े मल्टीपल्स हैं जो AC गाड़ी में चलते हैं, उनको प्रदूषण से कहीं कोई, इससे सबसे ज़्यादा गरीब गुरबा लोगों को ही प्रभाव पर आ रहा है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग का धन्यवाद देता हूँ कि इस पर आप लोग प्रकाश डाल रहे हैं और कुंभकर्ण की नींद में सोई प्रशासन को जागना चाहिए। ये नहीं कि सत्ता के लोभ में कुछ गलत कदम उठा के निस्वार्थ भाव से लोगों को जो सेवा है उसका भाव होना चाहिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोग का।
बने हैं उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सरकार या आम जनता को? देखिए सरकार तो है ही, बट सबसे बड़ी होती है कि पब्लिक, उसकी जिम्मेदारी पब्लिक को भी लेनी चाहिए। लोग इतने पटाखे वगैरह चला रहे हैं बाकी, और पटाखे चलाना हो गया, बाकी पॉल्यूशन देख रहे हो आप, सफाई नहीं हो रही है, हम गंदगी हर जगह कर रहे हैं, तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। हम गवर्नमेंट को सिर्फ अपना कमजोरी दिखाते हैं, हम गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं मैम। इसके रोकथाम के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं बोलूँगा लोगों को कि आप अपना अपना आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए अपने साफ सफाई रखें, लोगों को अवेयर करें, कैंपेन चलाएँ। हम लोग ये लोग सब नहीं कर सकते, एक लोग पहल करेगा तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें बेस्ट है कि अगर लोग पहल करें तो चीज़ें सही हो सकती है। सर आपका क्या मानना है? जी वही कहना चाहते हैं, साफ सफाई में ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी और आम जनता को भी, पूरा शहर साफ रह सके। सरकार ने एक योजना लागू की है कि जो ये 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उन पर रोकथाम लगा दी है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो रूल आया है आई थिंक आज से लागू हुआ है पटना में, राइट? मैं वैसे के लिए मैं दिल्ली से हूँ, तो ऑड इवन वहाँ पे लागू हुआ है, तो ये चीज़ मुझे पटना में बहुत अच्छा लगा, मुझे खासकर बिहार में, कि ये चीज़ें लागू हुई हैं 15 साल पुरानी, क्योंकि 15 साल जो गाड़ी चलती है ना उसको, उस गाड़ी से वो एक तो गाड़ी के मेंटेनेंस में खर्च ज़्यादा है, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा निकलते हैं, तो गवर्नमेंट को उस पर क्विकली एक्शन लेना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये बिल्कुल ये चीज़ें पता कैसे होगी, ये हमें भी समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें पहले एक्टिव होना पड़ेगा, अगर हमारे पास ऐसी कोई गाड़ियाँ हैं प्लीज़ हमें उसको बहिष्कार करें, उसको यूज़ ना करें, इसी से मैं बोलना चाहूँगा, तो बाकी चीज़ें सही हो सकती है। बढ़ते पॉल्यूशन को जिस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ते जिससे सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए, मतलब जो पोल्यूशन वाली गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, उसको बंद करनी चाहिए। हम यही कहेंगे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारी तत्काल सरकार है नीतीश सरकार, ध्यान देनी चाहिए, बस यही राय है और क्या। मैं नीतीश कुमार से है कि इस पर मतलब उनको कड़ी विचार करनी चाहिए। सरकार ने कई सारे स्कीम लागू की है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे वृक्षारोपण का कार्य जो शुरू किया था, तो इस पर लोग कितने सक्रिय मालूम पड़ रहे हैं? हाँ लोग कुछ सक्रिय हैं, पहले से हुए, लेकिन भी उतने सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए सरकार को। ये इसको हमारे सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अच्छा तरह से मतलब देखभाल करना चाहिए। किस तरह की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जिस तरह पोल्यूशन बढ़ रहा है आजकल देख रहे हैं राजनीतिक में, खास करके इधर से उधर, मतलब राजनीतिक अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उलट फेर हो रहा है, कभी जदयू से जदयू, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी राजद में आ जाता है, इस तरह से पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। सर जिस तरह से बिहार में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके रोकथाम के लिए सरकार को या आम जनता को क्या करना चाहिए? आम जनता को क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले ट्रैफिक रूल सही होगा तभी ना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। आम जनता के लिए सबसे पहले ट्रैफिक रूल यहाँ पे सही नहीं है, और इसके बाद जहाँ पे पेट्रोल वाला गाड़ी बंद करके CNG का चलाना चाहिए। सरकार ने एक नियम लागू किया कि जो ये 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो करे उस विषय में आप क्या कहना चाहिए? सही बात है, क्योंकि इससे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पेट्रोल वाली डीजल वाली गाड़ी बंद करके CNG गैस वाली जितना भी है ऑटो चलाए, इसके लिए पोल्यूशन कम हो जाएगा। सर आपकी क्या राय? एक्चुअली 15 साल की गाड़ी को तो बैन करना ही चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पोल्यूशन स्मोकिंग जो वो ज़्यादा फेंकती है, तो इस वजह से ज़्यादा पोल्यूटेड होता है एयर, तो बेटर है कि वो 15 साल वाली गाड़ी को बंद कर दिया जाए और कोई न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि बैटरी ई रिक्शा समथिंग, जो अभी इलेक्ट्रिकल जितनी भी व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे जो है पोल्यूशन कम होगा, रिड्यूस होगी उससे। ये सारी चीज़ें लागू है सर? लागू है तो आदमी को उसके लिए एक और जो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ने किया ऑड इवन, तो वो भी इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए, उससे बेनिफिट होगी डेफिनेटली, क्योंकि आदमी ऑड इवन जो होगा तो ऑड नंबर इवन नंबर एक ही दिन चलेगी, तो आदमी अपना प्राइवेट सेक्टर की जो ये है तो वो कम करेगा और ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ज़्यादा करेगा, इससे सरकार ने योजना तो लागू की है लेकिन लोग कितने सक्रिय दिख रहे हैं इसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो तो खुद पे डिपेंड है, लोगों को क्या है, यहाँ तो इतना ज़्यादा जितना पोल्यूशन है उससे ज़्यादा तो गंदगी है, गंदगी कचरे तो हर जगह देख रहे हैं, तो उस पर आदमी को खुद को कंट्रोल करना होगा तभी कुछ हो सकता है आगे। लोगों के बीच कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि खुद को साफ रख के अपने चारों तरफ तो पोल्यूशन भी कम होगा और थोड़ा बहुत गाड़ी पे अपना मेंटेन करें, बस इतना ही, थैंक यू। ये तमाम चीज़ जानने के बाद भी शहर का ये हालात है, फिर भी गंदगी या पॉल्यूशन क्यों कम नहीं हो रहा है?
तो वो तो खुद पे डिपेंड है ना मैम। एक्चुअली यहाँ पे जो है बंदे को खुद जागरूक होना होगा भाई, जो भी पोल्यूटेड होगा तो वो मेरे वजह से हो रहा है ना, कि ऑटोमेटिकली तो प्रकृति का कुछ तो होता नहीं है कि कुछ हो गया कि गंदा आ गया कहीं से ऊपर। हम लोग जो फेंकते हैं वही उससे तो होता है। अब प्लास्टिक जमा करके जला देते हैं उससे जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। सर ऐसे शहर में पॉल्यूशन जो है बिहार दूसरे स्थान पे आ गया पॉल्यूशन के मामले में, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पॉल्यूशन कम करना चाहिए, सभी लोग को सोचना चाहिए इसके लिए बस। क्या सोचना चाहिए? जैसे अगर पैदल कहीं जा सकते हैं पैदल जाएं, गाड़ी अवॉइड करें, बहुत कम यूज़ करें उसको, ये सब चीज़ और क्या। सरकार ने जो नियम लागू की है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं या जो केरोसिन ऑयल पे जो भी गाड़ियां चलाई जाती है उन सब को बंद कर दिया है, इस विषय में आपकी क्या राय? सरकार भी अपने तरफ से सही सोच रही है ना, तो पुरानी गाड़ियाँ तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगी उससे, लोग को सोचनी चाहिए। लोग कितने सक्रिय है इस चीज़ को लेकर? अब सभी तरह के लोग हैं, वो कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन किन का क्या है नहीं है उसके अनुसार सब अपने अपने सोचते हैं और क्या, बस सबको सोचना चाहिए बस। लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? कम से कम गाड़ी चलाएं जितना यूज हो, मतलब जितना इम्पोर्टेंस हो काम के लिए उतना गाड़ी का यूज करें बस। देखा आपने जिस तरह से लोगों ने अपनी राय दी है, उनका मानना है कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इसके लिए कहीं सरकार जिम्मेदार है तो कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है। कई लोगों ने राय दी है कि ऑर्डिनेंस लागू करना चाहिए या सरकार ने जो भी कदम उठाया है इसे लेकर, जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ है उस पर रोक लगा दी है, कुछ लोगों का मानना है कि ये तुरंत नहीं करना चाहिए, लोगों को 2-3 महीने का समय देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकार ने एक अच्छा पहल उठाया है, सरकार की एक अच्छी नीति है और लोगों को वही सरकार का वृक्षारोपण को लेकर जो स्कीम सरकार की लागू की गई है इसमें लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है ना कि सरकार। तो अभी फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।